Hello everyone, welcome to Education at Your Doorstep. This is Charul and we are going to start the 18th lecture of pollution. And in this lecture, we are going to continue the topic of the soil pollution. But before that, please subscribe to my channel and do hit the like button. So guys, in the previous lecture, we have already discussed about the basics of the soil pollution. सो गाइस, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो गाइस, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि सॉइल होती क्या है। सॉइल इज़ बेसिकली द मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मिनरल्स। सो गाइस, हमने देखा था कि वॉल्केनिज्म के दौरान जो भी हमारी अर्थ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ लावा हमारी अर्थ के सर्फेस के ऊपर आ जाते हैं। एंड गाइस, जब जो लावा होता है कूल डाउन होता है, सॉलिडिफाई होता है, तो वो बेसिकली रॉक्स की फॉर्मेशन कर देता है। लेकिन जो भी विंड, वाटर और ग्लेशियर्स होते हैं, विच आर बेसिकली द एजेंट ऑफ डीन्यूडेशन, वो बड़े बड़े रॉक्स को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एंड गाइस, एक टाइम ऐसा आता है कि जो हमारे बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, दे बेसिकली गेट ग्राइंडेड इंटू स्मॉल फाइन पार्टिकल्स, जिन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं, सॉइल। मतलब पहले अर्थ के अंदर से लावा में मिनरल्स आए, लावा से रॉक्स में आए और रॉक्स के बाद सॉइल में। और गाइस, इसीलिए हम लोग सुनते रहते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, दे बेसिकली एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, क्योंकि गाइस सॉइल में ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि ईजिली डिकम्पोज हो जाते हैं बाय द माइक्रोबियल एक्शन, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग हो जाती है। और गाइस, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल्स हो सकते हैं, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, जो कि बेसिकली डिकम्पोज नहीं हो पाते और उनकी ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन होती है। तो गाइस, कौन से कंपाउंड्स ज़्यादा हार्मफुल होते हैं? ऑब्वियस है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो तो ईजिली डिकम्पोज होकर न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते। सो गाइस, अभी बात करते हैं कि सॉइल पोल्यूशन होता क्या है। तो गाइस, हमने देखा था कि अगर कोई भी ऐसा सब्सटेंस हमारे एनवायरनमेंट में ऐड हो जाए, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट की क्वालिटी डिग्रेड हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन। लेकिन गाइस, अगर कोई भी सब्सटेंस हमारी सॉइल में एंटर हो जाता है, जिसकी वजह से सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, सॉइल की फिजिकल, केमिकल या फिर जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल पॉल्यूशन। तो गाइस, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी सॉइल की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो गई है, उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो गई है? तो गाइस, अगर पहले 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड से हमें 10 यूनिट्स ऑफ राइस मिल रहे थे और अभी हमें सिर्फ 8 यूनिट्स ऑफ राइस मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉइल की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो चुकी है। इसका मतलब सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड हो चुकी है। तो गाइस, इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि सॉइल पॉल्यूशन हो चुका है। तो गाइस, अभी यहाँ पर हमने बात की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या कुछ आता है कि सॉइल का टेक्स्चर कैसा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, उसका कलर कैसा है, ये सब कुछ किस में आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। उसके बाद अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो इसमें आएगा कि कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट है, किस प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, ये सब कुछ आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल में। उसके बाद गाइस, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ आ सकती हैं, मतलब हमारी सॉइल की प्रोडक्टिविटी कितनी है, कितने प्लांट्स को बेसिकली वो गाइस मतलब क्या हुआ कि कितने प्लांट्स को वो सपोर्ट कर सकता है, सो दैट वो अच्छे से ग्रो कर पाए, जिससे हमें क्या पता चलेगा कि सॉइल की प्रोडक्टिविटी कितनी है। और सॉइल की प्रोडक्टिविटी को मेज़र करके हमें क्या पता चलेगा कि सॉइल की क्वालिटी कितनी है। और अगर सॉइल की क्वालिटी डिक्रीज हो चुकी है, इसका मतलब सॉइल पॉल्यूशन हो चुका है। तो गाइस, आखिर ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस है जो कि हमारी सॉइल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को डिग्रेड कर सकते हैं? तो अगर कोई भी डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया है, जैसे कि गाइस पैथोजेंस वगैरह हो सकते हैं जो कि हमारी प्लांट्स की रूट्स को ख़राब कर देते हैं, या फिर जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं हमारी सॉइल में, अगर कोई भी डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया है तो वो उनको किल कर सकता है, जिसकी वजह से होगा क्या कि जो माइक्रोब्स थे वो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंपलर पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग कर रहे थे। लेकिन अगर माइक्रोब्स की डेथ हो जाएगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से और ज़्यादा सॉइल पॉल्यूशन हो जाएगा।
उसके बाद गाइस टॉक्सिक सब्सटेंस हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के केमिकल्स हो सकते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स। तो हमें पता है कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, सो दैट हमारे क्रॉप लैंड की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाए। उसके बाद जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं सो दैट हमारी क्रॉप्स को बचाया जा सके फ्रॉम द पेस्ट, एंड इंसेक्टिसाइड्स बेसिकली प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम द इंसेक्ट्स। तो गाइस उसके बाद कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो सकते हैं, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, कार्बन 14, जो कि अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस को एमिट करते हैं, जिसकी वजह से गाइस होगा क्या कि जो ये रेडिएशंस है ये हमारी सॉइल के अंदर प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देगी, जिसकी वजह से क्या होगा जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बेसिकली रिसाइकल नहीं हो पाएंगे, और एज अ रिजल्ट क्या होगा सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी और हम लोग क्या बोलेंगे कि वहाँ पर सॉइल पॉल्यूशन हो चुका है। उसके बाद गाइस हमने देखा था कि जो वेटलैंड्स होते हैं दे आर बेसिकली द किडनीज ऑफ द अर्थ, तो जो भी पानी वेटलैंड्स के ऊपर होता है वो तो धीरे धीरे प्योरीफाई होकर हमारे अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देता है, लेकिन जितने भी उसमें पोल्यूटेंट्स होते हैं वो बेसिकली अर्थ के ऊपर रह जाते हैं, ग्राउंड के ऊपर रह जाते हैं, जो कि सॉइल में मिलकर सॉइल को पॉल्यूट कर देते हैं। तो गाइस ये कुछ हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट्स हैं जिसकी वजह से हमारी सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। सो गाइस अभी बात करते हैं कि सॉइल पॉल्यूटेंट्स होते क्या हैं। तो गाइस ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि हमारी सॉइल की क्वालिटी को डिग्रेड कर रहा है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉइल पॉल्यूटेंट्स। सो गाइस हमने दो तरह के पॉल्यूटेंट्स के बारे में देखा था, एक होते हैं क्वालिटेटिव और दूसरे होते हैं क्वांटिटेटिव। तो गाइस क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि बेसिकली अगर एक बार हमारी सॉइल में एंटर हो गए तो बेसिकली सॉइल पॉल्यूशन होना ही है, लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि वैसे तो हमारी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं लेकिन जैसे ही उनकी जो क्वांटिटी है, अमाउंट है, वो एक परमिट लेवल से ज़्यादा हो जाएगी तो वो बेसिकली पोल्यूटेंट का काम करने लगेंगे। तो ऐसे पोल्यूटेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स। तो गाइस सॉइल पोल्यूटेंट्स में दोनों तरह के पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। और गाइस हम लोग देख चुके हैं कि कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि टॉक्सिक सब्सटेंस हो सकते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो सकते हैं, या फिर अगर माइक्रोब्स की डेथ हो जाए तो इसकी वजह से भी क्या होगा, सॉइल पोल्यूशन हो जाएगा। सो गाइस अगर सॉइल पोल्यूशन हो जाता है तो इसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि बायो मैग्निफिकेशन या फिर बायो एक्यूमुलेशन हो सकता है, क्योंकि गाइस हमें पता है कि अगर एक बार केमिकल्स हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो वो बेसिकली ना तो डाइजेस्ट हो पाते हैं ना ही एक्सक्रीट आउट हो पाते हैं, जिसकी वजह से गाइस होता क्या है कि वो हमारे फैटी एसिड्स में जाकर स्टोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो गाइस अभी बात करते हैं कि जो सॉइल के पोल्यूटेंट्स होते हैं वो बेसिकली कहाँ कहाँ से रिलीज होते हैं, कौन कौन से सोर्सेज है हमारी सॉइल पोल्यूटेंट्स के। सो गाइस जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, हमारा कम्युनिटी वेस्ट होता है, जो भी सॉलिड वेस्ट होता है गाइस उसे बेसिकली डिस्पोज कैसे किया जाता है, उसे किसी भी लो लाइंग एरिया में जाकर छोड़ दिया जाता है जहाँ पर उसकी धीरे धीरे डिकम्पोजिशन हो जाती है। लेकिन गाइस इस दौरान क्या होता है कि हम लोग जो कचरा होता है इसे बेसिकली सेपरेट तो करते नहीं, हमारे कचरे में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी। तो गाइस होता क्या है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये तो ईजिली डिग्रेड हो जाते हैं, लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये वहाँ की सॉइल में मिलकर सॉइल को पॉल्यूट कर देते हैं। और गाइस हमें पता है कि इंडस्ट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट तरह के बेसिकली केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जो कि हमारी सॉइल को पॉल्यूट कर सकते हैं। उसके बाद गाइस जो एग्रीकल्चर के दौरान बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स या फिर पेस्टिसाइड्स। तो गाइस होता क्या है कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कर देते हैं तो इसकी वजह से जो हमारी सॉइल है इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम की क्वान्टिटी इंक्रीज़ हो जाती है और इसकी वजह से क्या होती है, सॉइल पॉल्यूट हो जाती है। एंड गाइस इवन होता क्या है कि जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स होते हैं, अगर ये वॉश अवे हो जाते हैं तो ये हमारी वाटर बॉडीज़ को भी पोल्यूट कर देते हैं। उसके बाद गाइस कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो सकते हैं, जैसे कि माइनिंग की जाती है यूरेनियम, थोरियम और रेडियम की, तो उस दौरान छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारी सॉइल में मिल जाते हैं जो कि रेडिएशंस को एमिट करना शुरू करते हैं और इसकी वजह से जो भी सॉइल में माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिकम्पोजिशन नहीं हो पाती और इसकी वजह से हमारी सॉइल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन हो जाता है। सो गाइस अगर उसके बाद बात करें माइनिंग एक्टिविटीज़ की, जैसे कि आयरन, कोल या फिर पेट्रोलियम वगैरह की माइनिंग की जाती है, तो इस दौरान गाइस होता क्या है कि जो हैवी मेटल्स होते हैं वो हमारी सॉइल में ही अटक जाते हैं
और गाइस आपको पता है कि अगर हैवी मेटल्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से बेसिकली आपको कैंसर हो सकता है। उसके बाद गाइस अगर हम लोग बात करें कि जो गंदा पानी होता है, कि गाइस जो वेटलैंड्स होते हैं दे आर बेसिकली द किडनीज ऑफ द अर्थ, तो जैसे ही जो पानी है वो हमारे वेटलैंड्स के ऊपर से गुजरता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो पानी है वो प्योरीफाई होकर हमारे अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देता है, लेकिन जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो हमारी सॉइल में मिलकर सॉइल को पॉल्यूट कर देते हैं। सो गाइस दीज आर बेसिकली द मेजर कॉजेज ऑफ द सॉइल पॉल्यूशन। सो गाइस उसके बाद देखते हैं कि कैसे हम लोग सॉइल पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सो गाइस जहाँ पर सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है, जहाँ पर हमारी कॉन्टेमिनेटेड सॉइल प्रेजेंट है, जहाँ पर कॉन्टेमिनेंट्स प्रेजेंट है, अगर हम लोग कोई भी प्रोसेस वहाँ पर करते हैं सो दैट वो कॉन्टेमिनेंट्स हमारी सॉइल से रिमूव हो जाए, सॉइल पॉल्यूशन कम हो जाए, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इन सीटू रेमिडिएशन। लेकिन अगर हम लोग जहाँ पर सॉइल पॉल्यूट हुई है वहाँ से सॉइल को ले जाकर किसी दूसरी जगह पर उसका ट्रीटमेंट करें, उसमें से जो कॉन्टेमिनेंट्स हैं उसे रिमूव करें, तो इस टेक्निक को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, एक्स सी टू रेमिडिएशन। मतलब अगर उसी जगह पर हम लोग सॉइल को ट्रीट कर रहे हैं तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इन सी टू रेमिडिएशन। लेकिन अगर हम लोग सॉइल को उठा कर किसी और जगह पर ले जाकर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को बोला जाएगा एक्स सी टू रेमिडिएशन। तो गाइस अगर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहे हैं सो दैट जो भी हमारी सॉइल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी डिकम्पोजिशन हो पाए, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग हो पाए, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, बायो रेमिडिएशन। क्योंकि इसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहे हैं इसीलिए इसे बायो रेमिडिएशन बोला जाता है। तो गाइस हम लोग करते क्या है कि जहाँ पर भी सॉइल पॉल्यूट हो चुकी है वहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं, या फिर बाहर से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेसिकली उस सॉइल में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं सो दैट जो भी वहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो इजीली डिकम्पोज हो जाए और न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग हो जाए। और इसकी वजह से क्या होगा, सॉइल भी पल्यूट कम हो जाएगी, जिसकी वजह से धीरे धीरे सॉइल की क्वालिटी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से गाइस क्या होगा, जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाने वाली है। सो गाइस उसके बाद हम लोग थर्मल रेमिडिएशन यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें किया क्या जाता है कि जहाँ पर भी पॉल्यूटेड सॉइल प्रेजेंट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट दे दी जाती है सो दैट वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, और जो भी गाइस वहाँ पर पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होंगे वो बेसिकली वेपर्स की फॉर्म में आ जाएंगे। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही वो वेपर्स हमारी सॉइल से बाहर आना शुरू होंगे तो हम लोग उन सारे के सारे वेपर्स को इकट्ठा कर लेंगे और उन्हें किसी दूसरी जगह पर ले जाकर छोड़ देंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी सॉइल में से जो भी पॉल्यूटेंट्स थे वो बेसिकली वेपर की फॉर्म में बाहर आ जाएंगे, जिसे हम लोग उठा कर किसी और जगह पर डाल देंगे सो दैट वहाँ की जो सॉइल है वो बेसिकली बिल्कुल साफ हो जाए। एंड गाइस ऐसे हम लोग जो सॉइल पॉल्यूशन है उसे बेसिकली डिक्रीज कर सकते हैं। और गाइस इससे क्या होगा कि हम लोग सिर्फ ऐसे पॉल्यूटेंट्स को रिमूव कर सकते हैं जो कि बेसिकली वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन अगर कोई भी ऐसा पॉल्यूटेंट है जो कि हाई टेम्परेचर पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो ऐसे पॉल्यूटेंट्स को हम लोग यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो कि वेपर्स की फॉर्म में आ जाए एट द हाई टेम्परेचर उनको हम लोग सॉइल से रिमूव कर सकते हैं, और इस टेक्निक को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, थर्मल रेमिडिएशन। क्योंकि इस टेक्निक में हम लोग मेजरली क्या यूज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर, जिसे हम लोग थर्मल से डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद गाइस अगर हम लोग कोई भी ऐसा प्लांट यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमने देखा था कि जो वाटर हेजिन्स होते हैं वो बेसिकली हमारी सॉइल में से जो पोल्यूटेंट्स हैं उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से सॉइल बिल्कुल साफ हो जाती है, सॉइल पोल्यूशन कम हो जाता है। तो अगर हम लोग कोई भी ऐसा प्लांट यूज़ कर रहे हैं जिससे कि जो सॉइल पॉल्यूशन है वो रिड्यूस हो रहा है, हमारी सॉइल में से पॉल्यूटेंट्स रिमूव हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइटो रेमिडिएशन। लेकिन गाइस अगर हम लोग फंजाई का यूज़ कर रहे हैं सो दैट जो भी हमारी सॉइल में पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं इनकी डिकम्पोजिशन हो जाए, या फिर जो हमारी फंजाई है वो बेसिकली इन्हें कंज्यूम कर ले, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी सॉइल में से पॉल्यूटेंट्स बेसिकली बाहर हो जाएंगे, हमारी सॉइल बिल्कुल साफ हो जाएगी, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, माइको रेमिडिएशन। सो गाइस अगर हम लोग उसी जगह पर प्रोसेस करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, इन सीटू रेमिडिएशन। अगर किसी और जगह पर ले जाकर हम लोग सॉइल को साफ करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, एक्स सीटू रेमिडिएशन। अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके हमारी जो पोल्यूटेंट्स हैं उन्हें रिमूव किया जाता है फ्रॉम द सॉइल तो उसे क्या बोला जाता है, बायो रेमिडिएशन। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करके हमारी सॉइल में से पोल्यूटेंट्स रिमूव किए जाते हैं तो इसे बोला जाता है थर्मल रेमिडिएशन। उसके बाद अगर प्लांट्स को यूज़ किया जाता है तो इसे बोला जाता है फाइटो रेमिडिएशन।
और अगर हम लोग फंगस यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू डिक्रीज द पोल्यूटेंट्स इन द सॉइल या फिर पोल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइको रेमिडिएशन। सो गाइस, रेमिडी का मतलब क्या होता है? बेसिकली ऐसा कुछ करना जिससे हम लोग ट्रीटमेंट कर पाएँ, जैसे कि जो हमारी होम रेमेडीज़ होती हैं, चाहे वो स्किन के लिए है चाहे किसी भी डिसीज़ के लिए है, इसका मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट। तो अगर हम लोग टेम्परेचर को यूज़ करके ट्रीटमेंट कर रहे हैं सॉइल का, तो वो थर्मल रेमिडिएशन हो गई। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके कर रहे हैं तो वो क्या हो गई है, बायो रेमिडिएशन। प्लांट्स को यूज़ करके करेंगे तो उस टेक्निक को बोलेंगे फाइटो रेमिडिएशन, और अगर फंगस को यूज़ कर रहे हैं तो उसे क्या बोला जाएगा, माइक्रो रेमिडिएशन। सो गाइस, उसके बाद देखते हैं कि सॉइल पॉल्यूशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो गाइस, सॉइल पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं दे बेसिकली एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, लेकिन अगर हमारी सॉइल में डिफरेंट डिफरेंट तरह के पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं तो हमारा प्लांट भी इतना समझदार तो है नहीं कि वो इन पॉल्यूटेंट्स को ना अपने अंदर एब्जॉर्ब करे और बाकी सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर ले। तो गाइस, होता क्या है कि जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये भी हमारे प्रोड्यूसर्स में एंटर हो जाते हैं, और मैंने आपको बताया है कि जो भी बेसिकली केमिकल्स होते हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ये ना तो डाइजेस्ट हो पाते हैं ना ही एक्सक्रीट आउट हो पाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी में ही रह जाते हैं। तो गाइस, जैसे ही ये हमारे प्रोड्यूसर्स में गए तो प्रोड्यूसर्स को जैसे ही हमने कंज्यूम किया, जैसे कि गाइस जो प्रोड्यूसर्स थे इन्होंने फोटोसिंथेसिस किया यूजिंग दीज पॉल्यूटेंट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स है सब कुछ इन्होंने स्टोर कर दिया इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और जैसे ही हम लोग फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स को कंज्यूम करेंगे तो जो ये पॉल्यूटेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, ये हमारी बॉडी में एंटर हो जाएंगे। एंड मैंने आपको बताया है कि अगर हमारी बॉडी में एक बार कोई भी केमिकल एंटर हो जाता है तो ना तो गाइस ये डाइजेस्ट हो पाता है ना ही एक्सक्रीट आउट हो पाता है, ये हमारे फैटी एसिड्स में जाकर स्टोर हो जाता है। तो गाइस, होता क्या है कि जैसे हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, अगर उनको खाया किसी भी हर्बीवोर ने तो जो ये केमिकल्स हैं ये हर्बीवोर में आ जाएंगे, एंड जैसे ही जो कार्निवोर्स होते हैं या फिर जो भी नॉन वेज कंज्यूम करते हैं वो जैसे ही इन हर्बीवोर्स का मीट वगैरह खाएंगे तो होगा क्या, उनकी बॉडी में ये केमिकल्स एंटर कर जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, बायो मैग्निफिकेशन। सो गाइस, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैराइन इकोसिस्टम होता है, वहाँ पर क्या होता है कि जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, फाइटोप्लैंक्टन्स। उन्हें कौन खाते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स, जिसे खाती हैं स्मॉल फिशेज, उसके बाद बड़ी फिशेज, एंड उन फिशेज को हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो गाइस, मान लीजिए कि जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे हमारे ज़ूप्लैंक्टन्स थे, तो गाइस हुआ क्या कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं दे आर बेसिकली द प्रोड्यूसर्स। तो अगर हमारे फाइटोप्लैंक्टन में मान लीजिए 1 यूनिट ऑफ केमिकल प्रेजेंट था, तो जो हमारे ज़ूप्लैंक्टन्स हैं दैट आर द इंसेक्ट, उन्होंने मान लीजिए 10 प्लांट्स को कंज्यूम किया, या फिर हम लोग ये देख सकते हैं कि एक एल्गी में मान लीजिए 1 यूनिट ऑफ केमिकल प्रेजेंट है और हमारे एक इंसेक्ट ने 10 यूनिट ऑफ जो एल्गी है वो खा ली है, तो अभी हमारे जो इंसेक्ट्स हैं उनकी बॉडी में कितने केमिकल्स हैं, 10 यूनिट्स। एंड गाइस, जो हमारी स्मॉल फिश है वो कम से कम 10 इंसेक्ट्स को तो कंज्यूम करेगी, तो अभी हमारी फ़िश में कितना हो गया है, 100 यूनिट ऑफ केमिकल्स। एंड जैसे ही हम लोग इस स्मॉल फिश को कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी में भी ये केमिकल्स एंटर कर जाएंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि कैसे विद इंक्रीज इन ट्रॉफिक लेवल जो कॉन्सेंट्रेशन है केमिकल्स की वो भी इंक्रीज़ हो रही है। इसीलिए गाइस, अगर कोई भी पॉल्यूटेंट एक बार हमारी फूड चेन में एंटर हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो पॉल्यूटेंट्स की क्वांटिटी है वो विद इंक्रीज इन ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज़ हो जाती है, जिसे हम लोग बायो मैग्निफिकेशन का नाम दे देते हैं। सो गाइस, अगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा केमिकल्स हो जाएंगे, पॉल्यूटेंट्स हो जाएंगे, तो इसकी वजह से हमारी किडनी फेलियर हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स की फेलियर हो सकती है। लेकिन आपको सिंपली याद रखना है कि सॉइल पॉल्यूशन के कारण बायो मैग्निफिकेशन हो सकती है। सो गाइस, उसके बाद बात करते हैं कि बायो एक्यूमुलेशन क्या होती है। सो गाइस, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आज आपने 1 फ्रूट खाया तो एक फ्रूट में 10 यूनिट ऑफ केमिकल्स थे, तो आज आपकी बॉडी में 10 यूनिट ऑफ केमिकल्स एंटर कर चुके हैं। नेक्स्ट डे फिर से आपने एक एप्पल खाया जिसकी वजह से और 10 यूनिट्स ऑफ केमिकल्स आपकी बॉडी में एंटर हो गया। नेक्स्ट डे फिर से ऐसा हुआ, तो गाइस होगा क्या कि विद इन इंक्रीज इन एज जो हमारी बॉडी है इसमें केमिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायो एक्यूमुलेशन। तो गाइस, अगर जो केमिकल्स हैं दे आर बेसिकली ट्रांसफरिंग फ्रॉम 1 ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन। एंड हमने देखा कि जैसे ही एक केमिकल एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर ट्रांसफ़र होता है तो उसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से इसे बायो मैग्निफिकेशन का नाम दे दिया जाता है।
लेकिन होता क्या है कि हम लोग रोज़ खाना कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से डेली हमारी बॉडी में केमिकल्स की क्वांटिटी इंक्रीज होती चली जाती है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायो एक्यूमुलेशन। सो गाइस, अभी हमने सारी तरह के पोल्यूशंस के बारे में देख लिया है, और अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू एंजॉयड माई वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।